अफगानिस्तान में एक छोटा सा गांव है गजनी। आज से लगभग 1000 साल पहले वहां एक खूंखार जालिम लुटेरा होता था जिसका नाम था महमूद गजनवी। भारत की धन दौलत को लूटने के लिए गजनवी ने कई बार हमले किए और कई बेगुनाहों का कत्लेआम किया। इतिहास गजनवी को सुपर विलेन मानता है, लेकिन यही गजनवी पाकिस्तान का सुपर हीरो है। पाकिस्तान अपनी मिसाइल का नाम इन्हीं लुटेरों के नाम पर रखता है। मिलिट्री इंटेलिजेंस इनपुट के हवाले से खबर है कि पाकिस्तान ने LOC पर गजनवी मिसाइल को तैनात कर दिया है और यह सब उसने चीन के इशारे पर किया है। लेकिन अगर जंग हुई तो गजनवी का क्या हाल होगा वो भी आपको बता देते हैं। LAC पर भारत और चीन के बीच युद्ध जैसे हालात हैं, लेकिन बीजिंग और नई दिल्ली से भी ज्यादा हलचल, क्योंकि पाकिस्तान को POK छिनने का खतरा दिन रात सता रहा है। पाकिस्तान को भारत की ओर से मिलिट्री एक्शन का खौफ है और यही वजह है कि पाकिस्तान ने चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी की मदद से अपना एक नया वॉर प्लान बनाया है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि पाकिस्तान ने LOC पर बैलिस्टिक मिसाइल हदफ-ए-तीन गजनवी को तैनात कर दिया है। मिसाइल तैनात करके डर छुपाने की रणनीति पाकिस्तान को चीन ने ही दी है। गजनवी सरफेस टू सरफेस शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। 290 किलोमीटर तक मार करने वाले इस मिसाइल का नाम पाकिस्तान ने क्रूर लुटेरे महमूद गजनवी के नाम पर रखा था। पाकिस्तान की आर्मी स्ट्रेटजिक कमांड फोर्स के सफल टेस्ट के बाद 10 मई 2012 से गजनवी को पाकिस्तानी सेना के बेड़े में शामिल किया गया है। 5256 किलो वजनी ये मिसाइल लगभग 10 मीटर लंबी है और इसका डिजाइन चीन के M11 मिसाइल से मिलता है। पाकिस्तान LOC पर कितनी भी तैयारी कर ले, सच यही है कि मिसाइल जगत में पाकिस्तान भारत के सामने बच्चा है। भारत के पास अग्नि सीरीज की इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है जो कि 5500 किलोमीटर दूर तक वार कर सकती है, जबकि पाकिस्तान 2000 किलोमीटर तक मार करने वाली शाहीन-2 मिसाइल पर ही झूठा गुमान करता है। पाकिस्तान ने एटम बम की तकनीक तो हासिल कर ली, लेकिन मिसाइल की तकनीक मामले में वो हिंदुस्तान से बहुत पीछे है। भारत मिसाइल की अत्याधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल करता है। भारत के पास पृथ्वी और निर्भय मिसाइल के साथ साथ प्रहार, नाग, ब्रह्मोस और आकाश मिसाइल भी मौजूद है। कुल मिलाकर कहें तो भारत एक मिसाइल सुपर पावर देश है। भारत के पास सबसे बेहतरीन क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस है जो जल, जमीन और आसमान तीनों से वार कर सकती है, और पाकिस्तान को यह मुकाम हासिल करने में दशकों लग जाएंगे। गलवान और पेंगोंग में भारत चीन को 75 दिनों में दो बार पीट चुका है और LOC का तो चप्पा चप्पा भारत के जवानों की वीरता की कहानी कहता है। चीन और पाकिस्तान ये भ्रमजाल फैलाना चाहते हैं कि वो भारत पर एक साथ हमला करेंगे, लेकिन भारत इस डबल ट्रबल को अकेले ही फ्लॉप करने की ताकत रखता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। News Top 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।